एक और बढ़िया से ब्यूटीफुल से खुशखबर लेकर आ चुका हूँ गाइज मैं आप सभी के लिए। हाँ गाइज आपने बिल्कुल सही सुना, मेरे पास एकदम मस्त वाली खुशखबर है, वो यार आप सभी के लिए भी और भाई मेरे लिए भी एकदम मस्त वाली खुशखबर है। दरअसल गाइज आपको पता है आज यार अपने सिंचैन का बर्थडे है। हाँ गाइज आज अपने सिंचैन का बर्थडे, इसलिए गाइज यार मैं हूँ सबसे ज्यादा खुश, और यार मुझे पता है कि मेरे साथ साथ आप सभी भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। बट यार गाइज आपको पता है सुबह सुबह यार जब सिंचैन स्कूल गया उससे पहले यार मैंने सिंचैन को जरा भी विश नहीं किया, क्योंकि यार गाइज मैं देना चाहता हूँ सिंचैन को एकदम मस्त वाला सरप्राइज, और गाइज मेरे साथ साथ चॉप ने भी उसको बर्थडे विश नहीं किया। दरअसल गाइज यार तुम्हें पता होगा यार हर बार यार हम लोग सिंचैन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जब यार वो सुबह उठ जाता है तब यार हम लोग उसको विश कर देते हैं, उसके बाद में गाइज यार उसके दोस्तों को बुलाकर छोटी मोटी पार्टी करता है। बट यार गाइज इस बार मैंने सोचा है कि भाई सब सिंचैन का बर्थडे ऐसा ऐसा नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि गाइज यार अपना जो सिंचैन है वो आज भाई पूरा 5 साल का होने वाला यार। इसलिए गाइज मैंने सोचा है कि इस बार गाइज सिंचैन के बर्थडे के ऊपर मैं उसको दूंगा एकदम मस्त वाली सुपर कार गिफ्ट, और भाई साथ ही साथ एकदम मस्त वाली बड़ी सी पार्टी भी करेंगे। वो भी ऐसी वैसी पार्टी नहीं भाई, उसमें अपने सारे के सारे दोस्त आएंगे, सिंचैन के दोस्त आएंगे, और भाई बाकी अपने मोहल्ले के लोग भी आएंगे। वो तो देखेंगे कि भाई साहब अपने मोहल्ले के लोगों के अंदर से कौन कौन आने वाला है। बट यार गाइस पार्टी के अंदर इतना तगड़ा खर्चा होने वाला है ना, वो तो यार मुझे भी नहीं पता भी कितना होने वाला है। और यार साथ ही साथ मैंने ये भी सोच लिया गाइस सिंचैन को इस बार उसके बर्थडे के ऊपर एकदम मस्त वाली सुपर कार भी गिफ्ट करूंगा, भाई मजा तो आने वाला है। बट यार गाइस आपको पता सिंचैन का भी स्कूल से आने का टाइम हो ही गया है, कुछ 11:30 बजे आता है। ये देखो गाइस 11:11 हो गए, तो अभी गाइस थोड़ी देर में सिंचैन घर पे आता ही होगा, तो इसलिए गाइस एक काम करते हैं थोड़ा सा अपने काम के ऊपर लग जाते हैं। और वैसे तो यार मैंने चिंटू बेंटर और चिंकी को कॉल करके बोल दिया था कि भाई सब जैसे तुम्हारे स्कूल छूट जाए सिंचैन से पहले फटाफट से हमारे घर पे आ जाओ, और भाई सिंचैन को बर्थडे विश मत करना। अभी ये तो नहीं पता कि भाई साहब उन लोगों ने सिंचैन को स्कूल में बर्थडे विश किया या फिर नहीं, बट यार गाइस उन सभी के पास भी मेरा एक इंपॉर्टेंट काम है भाई, आज घर पे सारी की सारी सजावट जो करनी है, और भाई जाकर एकदम मस्त वाला बर्थडे का केक भी लाना है। अब्बा पर भाई कल तू कब जाने वाला है केक लाने के लिए? अरे वो तो चौप भाई बस अभी निकलने वाला हूँ। और भाई तू एक काम करियो, जब भी भाई सिंचैन घर पे आएगा उसको बोलियो भाई फ्रैंकलिन पता नहीं भाई सुबह से अपने गाँव में जाकर बैठा हुआ है। अब्बा पर भाई कल वो तो पूछेगा ना भाई तू गाँव में क्यों गया है, तू बोल देना भाई कोई भी रीजन, बस भाई उसको पता मत चलने देना कि भाई साहब मैं लॉस एंजेलिस के अंदर ही हूँ और मैं उसके बर्थडे की तैयारी करने गया हूँ। अच्छा ठीक है भाई कल वे तो एक काम करियो भाई, मेरे लिए आते आते एक दो बर्गर भी लेता आइयो, क्योंकि भाई अभी घर पे रह रहे कर भाई साहब मैं भी मेहनत करूंगा तो भाई साहब भूख तो लगेगी। अच्छा ठीक है भाई लेकर आऊंगा। बट यार भाई एक काम करता सिंचैन का इंतजार ही कर लो क्या? वैसे भी यार गाइस आपको पता है किसी का भी बर्थडे होगा ना गाइस उसको अगर हम लोग विश नहीं करते तो भाई साहब उसको आता है तगड़ा वाला गुस्सा, और मुझे तो ऐसा लगता है गाइस सिंचैन को भी आ गया होगा गुस्सा, क्योंकि भाई सुबह सुबह मैं उसको ना ही स्कूल में छोड़ने गया हूँ और ना ही भाई साहब उसको बर्थडे विश किया मैंने, तो इसलिए गाइस मुझे ऐसा लगता है उसको गुस्सा तो आया होगा। एक काम करते गाइस घर पे रुकते हैं और थोड़ी देर के लिए सिंचैन का रिएक्शन देखकर जाते हैं, और भाई देखते उसको उसका बर्थडे याद भी है या फिर नहीं। हाँ चलो गाइस ऐसा ही करते हैं, तब तक एक काम करता अपने फोन के अंदर कुछ ऑनलाइन देखता हूँ उसके बर्थडे गिफ्ट के लिए कुछ और मिला तो। बट यार गाइस आप लोगों को भी अभी पता चल चुका है कि भाई साहब आज अपने सिंचैन का बर्थडे है, तो गाइस यार एक काम कर दो भाई सिंचैन को फटाफट से कमेंट के अंदर हैप्पी बर्थडे विश कर दो। हाँ गाइस कर देना यार फटाफट से कमेंट के अंदर हैप्पी बर्थडे सिंचैन, और गाइस आप भी मुझे कमेंट के अंदर बढ़िया बढ़िया आइडियाज देते रहना कि भाई साहब मुझे सिंचैन के लिए और भी क्या बढ़िया बढ़िया गिफ्ट देने चाहिए। तो आप फटाफट से अभी ऑनलाइन देखता भाई कोई गिफ्ट मिला तो। आज तो मैं फैंकी भैया को छोड़ूंगा ही नहीं, उन्होंने यार आज सुबह मुझे बर्थडे विश नहीं किया। बट यार मुझे ऐसा नहीं लगता कि यार फैंकी भैया मेरा बर्थडे भूल गए होंगे, क्योंकि यार हर बार यार मेरे बर्थडे के ऊपर फैंकी भैया मुझे रोज सुबह उठाकर मुझे बर्थडे विश करता है और एकदम मस्त वाला गिफ्ट भी देते हैं। बट यार इस साल पता नहीं क्या हो गया फैंकी भैया को, मुझे तो ऐसा थोड़ा थोड़ा लगता है कि यार फैंकी भैया मेरे बर्थडे को भूल गए, पता नहीं यार इस बार उन्होंने विश क्यों नहीं किया मुझे। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसा लगता है सुबह भूल गए होंगे। एक काम कर दो अभी फटाफट से घर पे चलता हूँ और यार जाकर फैंकी भैया का रिएक्शन देखता हूँ, और यार जाकर देखता हूँ उनको मेरा बर्थडे याद भी है या फिर नहीं। चलो 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 लेट्स गो, फटाफट से चलना होगा। काश यार मेरे पास एकदम मस्त वाली साइकिल होती तो यार मैं साइकिल से फटाफट से घर पे आ जाया करता, रोज यार इतने दूर से मुझे चल के आना पड़ता है वो भी इतनी भारी भरकम बैग लेकर। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, वैसे भी अभी अपने घर पे पहुंच ही चुका हूँ, लेट्स गो। ये देखो ये रही फैंकी भैया की बाइक, लगता है फैंकी भैया घर पर ही है। चलो 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 अभी जाकर देखता हूँ उनको मेरा बर्थडे याद है या फिर नहीं। ये देखो ये रही फैंकी भैया। अरे भाई फैंकी भैया क्या कर रहे हो? सिंचैन एक सेकंड भाई तू आ गया? बिल्कुल यार मैं आ गया। तो यार अभी मुझे एक बात बता, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो खड़े खड़े? कुछ नहीं भाई सिंचैन कुछ नहीं कर रहा मैं। बट यार सीधा ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है तू? अरे वो तो यार बस ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा ऐसी बात है, चल कोई दिक्कत की बात नहीं सिंचैन, जा भाई हाथ मुंह धो ले, ऊपर मैंने ब्रेकफास्ट बनाकर रख लिया भाई खा ले। अरे नहीं नहीं यार ब्रेकफास्ट छोड़ो, तुम यार मुझे एक बात बताओ आज क्या है, तुम भूल गए क्या? आज क्या है भाई जरा बताएगा तू ही? भाई मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। क्या याद नहीं आ रहा? और रोहित चौप के बच्चे तुझे कुछ याद है? अबे नहीं भाई सिंचैन मुझे भी कुछ याद नहीं है। भाई तुझे कुछ याद है तो तू ही बता दे हमें। अबे हाँ भाई सिंचैन कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा है क्या तू? या फिर भाई आज किसी का बर्थडे है? क्या कब बर्थडे? अरे यार आपको याद है आज किसका बर्थडे है? बर्थडे नहीं भाई मुझे तो याद नहीं आ रहा। क्या याद नहीं आ रहा? अबे हाँ भाई सिंचैन अगर तुझे पता है तो तू बता दे। नहीं यार मुझे भी याद नहीं है। चलो यार कोई बात नहीं मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। अरे पर भाई सिंचैन बता के तो जा,
नहीं यार मैं तो जा रहा हूँ गाइज, आपने देखा फैंकी ब्याह को तो मेरा बर्थडे याद नहीं है। और आपको पता आज यार स्कूल के अंदर मैं गया था अपने दोस्तों के पास, वहाँ पर यार उन सभी ने भी यार मुझे बर्थडे विश नहीं किया। यार ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है गाइज, यार मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इससे पहले तो यार हर किसी को मेरा बर्थडे याद हुआ करता था, बट यार इस साल के मेरे बर्थडे के ऊपर किसी को भी मेरा बर्थडे याद नहीं है। क्या लगता है इन सभी ने मुझसे प्यार करना बंद कर दिया है? हाँ यार लगता तो अभी ऐसा ही है। और यार साथ ही साथ अभी ऐसा भी लगता है कि यार मेरी जो ऑडियंस है ये भी यार अब मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए यार किसी ने भी अभी तक मुझे कमेंट के अंदर विश नहीं किया। हाँ ऐसा ही हो सकता है। एक काम करता अपनी बैग रख देता यहाँ पर और यार निकल चलता यहाँ से, मुझे नहीं रहना आपसे फैंकी ब्याह के पास। चलो 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 यहाँ से भाग जाऊंगा और यार जाकर अपनी जान दे दूंगा। आज के बाद से ना ही सिंचैन रहेगा इस दुनिया में और ना ही सिंचैन नाम का कोई इंसान रहेगा। अबे एक सेकंड भाई क्या बोला तूने, ना ही सिंचैन रहेगा और भाई ना ही सिंचैन नाम का इंसान रहेगा इस दुनिया के अंदर? हाँ बिल्कुल ऐसे ही कहा। अरे पर क्या हो गया भाई, क्योंकि यार मैं तो जा रहा हूँ अपनी जान देने के लिए। क्या कहा जान देने के लिए? अबे रुक जा भाई सिंचैन। नहीं यार मैं तो नहीं रुकूंगा, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। चलो चलो लेट्स गो। बट यार कैसे जाऊंगा, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है यार, ये फैंकी ब्याह की बाइक भी नहीं ले जा सकता। बट यार क्या करो, अभी किसकी कार ले चलूं? ये देखो यहाँ पर एक आंटी या फिर अंकल है इस कार के अंदर। चलो यार इन्हीं की गाड़ी ले चलता। चलो आंटी फटाफट से कार से बाहर आ जाओ और यार निकल जाओ बाहर, लेट्स गो। अब यार एक काम करता हूँ, इस कार को ले चलता फटाफट से माउंट चिल्लियाड के ऊपर और यार वहां से एकदम कूद जाऊंगा इस गाड़ी को लेकर, या फिर ऐसे कूद जाऊंगा। क्योंकि यार गाइस आपने देखा सुबह से यार ना ही फैंकी ब्याह को याद है, ना ही चॉप को याद है आज मेरा बर्थडे है, और यार ना ही मेरे दोस्तों को याद है। फिर यार ऐसी जिंदगी जीकर क्या ही फायदा जिसके अंदर किसी को मेरा बर्थडे याद ना हो। आपको पता है जब मैं गांव में हुआ करता था तब यार मेरे मम्मी पापा को मेरे एकदम मस्त वाला बर्थडे सेलिब्रेट किया करते थे, बट यार यहाँ पर तो यार किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, इन सभी की टेंशन ही हटा देता हूँ और यार जाकर माउंट चिल्लियाड के ऊपर से कूद जाता हूँ। बट यार गाइस आपको पता होगा यार मैं अपने वीडियोस के अंदर आप सभी को डेली शाउट आउट देते रहता हूँ, तो चलो गाइस आज मरने से पहले आप सभी को आखिरी बार शाउट आउट देके ही जाता हूँ। तो गाइस आज का अपना पहला शाउट आउट जाता अपने हिमांशु भाई को, इनका बर्थडे आता 27 अप्रैल को। तो हिमांशु भाई आपका बर्थडे यार कुछ ही दिनों पहले हो गया, फिर भी यार हिमांशु भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको यार मेरी तरफ से एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट और भाई एकदम बढ़िया वाला हैप्पी बर्थडे एडवांस आपके बर्थडे के लिए। और गाइस अपना अगला शाउट आउट जाता अपने शिवा भाई को, इनका बर्थडे आता 21 सितंबर को। तो शिवा भाई आपका बर्थडे यार बड़ा लेट आने वाला है, तो शिवा भाई आपको यार मेरी तरफ से एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट और भाई एकदम बढ़िया वाला हैप्पी बर्थडे एडवांस आपके बर्थडे के लिए। और गाइस अपना आखिरी शाउट आउट जाता अपने ऋषान भाई को, इनका बर्थडे आता 20 अक्टूबर को। तो ऋषान भाई आपका भी बर्थडे बड़ा लेट आने वाला है, फिर भी यार ऋषान भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको भी यार मेरी तरफ से एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट और भाई एकदम बढ़िया वाला हैप्पी बर्थडे एडवांस आपके बर्थडे के लिए। गाइस आपने देखा मुझे यार अभी तक किसी ने विश नहीं किया, बट यार जिनका बर्थडे अभी तक आया भी नहीं मैंने यार उन सभी को शाउट आउट भी दे दिया। देख रहे हो मैं कितना ज्यादा अच्छा बच्चा हूँ, बट यार यहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी मुझे बर्थडे विश नहीं करता। मैं तो चला माउंट चिल्लियाड के ऊपर जान देने के लिए, लेट्स गो। अरे यार ये सिंचैन आज फिर गुस्सा होकर चला गया। अब भाई कल तू फिकर मत करियो, सिंचैन शाम तक घर पे आ ही जाएगा। हाँ यार वो तो मुझे भी पता है, बट यार वो आज जान देने की बात ही कर रहा था। अब भाई कल आज उसका बर्थडे है ना, तो भाई साहब आज बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ होगा, उसको किसी ने विश भी नहीं किया ना सुबह से। हाँ यार बात तो सही है तेरी, तो बता भाई चौब मैं क्या करूँ? अब कुछ नहीं भाई, कल तू जो सिंचैन के लिए गिफ्ट लाने वाला था वो लेकर आ, और भाई साथ ही साथ केक भी लेकर आई हो और भाई बर्गर भी। ठीक है भाई लेकर तो आऊंगा मैं, बट यार एक सेकंड भाई, जो सिंचैन के दोस्त आने वाले थे वो अभी तक आए नहीं क्या? अब यार ये लोग बिना, चलो भाई काम करता यहीं पर इंतजार करके देखता हूँ। वैसे भी यार वो सिंचैन के साथ ही छूट गए होंगे, तो भाई आते ही होंगे यार यहाँ पर, पता नहीं भाई कितना टाइम लगाएंगे। बट यार ये सिंचैन की फिक्र हो रही गाइस मुझे, पता नहीं भाई साहब वो क्या करने गया है। बट यार चलो यार उसको सरप्राइज देना है और उसको थोड़ा बहुत तो रुलाना पड़ेगा। चलो गाइस इंतजार करके देखते हैं, अगर भाई सिंचैन शाम तक नहीं आया तो गाइस यार मैं उसको ढूंढने के लिए निकल जाऊंगा, बट यार वो आना तो चाहिए ऐसा लगता है मुझे। बट यार इसके दोस्त कहाँ पर रह गए भाई? अबे यार ये लोग बिना, अरे थोड़ा जल्दी जल्दी चलो फ्रेंकली बेट डाटेंगे हमें। अरे हाँ चलो चलो चिंटू हम तुम्हारे पीछे ही आ रहे दोनों, आता ठीक है फटाफट आ जाओ। चलो यार पता चलना होगा, ये पता नहीं यार फ्रेंकली बिया ने तुम्हें कॉल करके क्यों बुलाया था और बताया था कि तिंतन को बर्थडे विद भी मत करो। और यार ये देखो ये ले फ्रेंकली बिया पता नहीं क्या कर है। अरे बोलो बोलो फ्रेंकली बिया आपने तुम्हें क्यों कॉल किया था मुझे, और आपने हमें तिंतन को बर्थडे विद करने थे भी क्यों रोका? अरे वो तो चिंटू भाई बाकी दोस्त कहाँ पर है? अरे ये देखो आ गए ये दोनों भी। अरे वाह भाई बढ़िया बात है, अब मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनो, तुम्हें पता है भाई आज अपने सिंचैन का बर्थडे है? अरे हाँ वो तो पता है, इसलिए तो हम लोग यहाँ पर आए। अरे हाँ तो मेरी बात सुनो, आज भाई सिंचैन का बर्थडे है इसलिए भाई सुबह से मैंने और चौप ने भी उसको विश नहीं किया है, तो अब मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनो। मैंने सोचा कि भाई आज भाई सिंचैन को एकदम तगड़ा वाला गिफ्ट दूंगा। अरे पल कौन था गिफ्ट दला बताओ तो फ्लाइंगली भैया। अरे वो तो भाई तुम्हें थोड़ी देर बाद पता चलेगा, तो यार हमें क्यों बुलाया यहाँ पर? अरे वो तो तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि भाई तुम लोग एक काम करो यहाँ पर घर के अंदर रुको और भाई कुछ तैयारी व्यारी करो भाई, सब घर के अंदर कुछ फटाके वटाके लगाओ भाई, लाइट वाइट लगाओ, और ताकि भाई हम लोग सिंचैन का एकदम मस्त वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। आता ठीक है फ्लाइंगली भैया, बता ले लाइट वाइट कहाँ पर मिलेगी? अरे वो तो भाई चॉप को बोल दो, चॉप निकाल कर दे देगा तुम्हें। आता ठीक है फ्लाइंगली भैया।
हम लोग आपके घर को तदा देंगे, आप यार दाखिल तिंतन का गिफ्ट लेकर आओ और भाई केक भी। अरे वही तो बोल रहा भाई, मैं उसी काम के लिए जा रहा हूँ, तुम लोग जाओ पड़ोस भाई काम पे लग जाओ। आता ठीक है फ्लैंग अभी लग जाता है। तला तला भाई तो आप तो एकदम मत वाला तिंतन का बदे डाली ब्लद करेंगे। अरे भाई तो आपके बदते फ्रेंकली भैया ने कहा है कि यार तू ताला का ताला सामान निकाल के दे, हम लोग इस घर को डेकोरेट करेंगे। अच्छा ठीक है भाई चिंटू अभी निकाल के देता हूँ। चलो भाई ये काम तो निपट गया, अभी फटाफट से चलता हूँ गाइस साइमन के शोरूम पे, क्योंकि गाइस मैंने आपको तो सुबह कहा था यार मैं देने वाला हूँ सिंचान को एकदम मस्त वाली सुपर कार गिफ्ट में। वो तो गाइस अभी पता नहीं है कि यार कितने की मिलने वाली है, बट यार मैंने सिंचान के बर्थडे के लिए पूरे एक साल से सेविंग की है यार, और गाइस फिलहाल के लिए मेरे पास है पूरे पूरे 20 करोड़। तो अब देखते भाई 20 करोड़ के अंदर सिंचान के लिए कौन सी एकदम मस्त वाली सुपर कार आती है, वो कार मैं लूंगा और भाई सिंचान को गिफ्ट करूंगा। वो तो लिटरली भाई पागल होने वाला है सुपर कार को देखकर, वो तो गाइस एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होगा कि भाई साहब फ्रैंकलिन यार मैं फ्रैंकलिन सिंचान को एकदम मस्त वाली सुपर कार गिफ्ट करने वाला, वाह भाई मजा आएगा, ये सब इमेजिन करके मजा आता है यार। बट यार गाइस सिंचान के खुशी में मेरी खुशी है, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ पड़ाव से साइमन के शोरूम पे। लेट्स गो, अबे हट जा भाई। गाइस तुम लोग देख रहे हो क्या ही खतरनाक तरीके से बाइक भगा रहा हूँ, लेट्स गो गाइस देख रहे हो। ओ गाइस यार ठुक गई, बट यार मजा तो आ रहा है यार बाइक भगाने में। ये देखो गाइस अभी मैं वैसे भी साइमन के शोरूम के पास आने ही वाला हूँ, एक सेकंड यार दो बार ठुक गई, बट यार रुको गाइस आप सभी को और एक बार भगा कर दिखाता हूँ। लेट्स गो, ये देखो गाइस ऐसे राइडिंग वाइडिंग कर रहे हैं मजा तो बहुत ज्यादा। ये देखो ड्रिफ्ट, यहाँ पर भी ठुक गए यार, यार ये एफपीवी मोड में यार इतनी अच्छी से नहीं चलती बाइक, बट यार ऐसे तो चला पाता हूँ ना। एक सेकंड ठुक गए यार वापस से, यार मैं ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ज्यादा ही भगा लेता हूँ बाइक। बट यार ये देखो गाइस पहुंच चुके साइमन के शोरूम पे, और ये देखो ये अपना दोस्त साइमन। हेलो मेरे भाई साइमन, कैसा है तू? अरे फ्रेंकली मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, बट यार मुझे एक बात बता आज कैसे आना हो मेरे शोरूम पे? अरे वो तो आज एक इम्पोर्टेंट दिन है मेरे लिए, इसलिए तो आया मैं तेरे पास। क्या क्या इम्पोर्टेंट दिन, ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट दिन है जरा बताओगे? अरे वो तो भाई आज अपने सिंचान का बर्थडे है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो भाई सिंचान को आज एक मस्त वाली सुपर कार गिफ्ट कर दी जाए। क्या कहा, तुम सिंचान को सुपर कार गिफ्ट करोगे? बिल्कुल भाई मैं गिफ्ट करूंगा। तो चल अभी भाई फटाफट से मुझे एक बात बता, तेरे पास एकदम मस्त वाली सुपर कार कौन सी है? सुपर कार तो सारी बढ़िया है, तुम्हें कौन सी पसंद आती है वो देखो। अच्छा ऐसी बात है तो अभी देखता हूँ। हाँ भाई देखते कौन सी बढ़िया कार है, ये कार बढ़िया लग रही है, बट यार ये जमीन पे क्यों चिपकी हुई है? भाई साहब अगर कोई स्पीड ब्रेकर आ गया तो भाई इसका नीचे का सारा काम तमाम होने वाला है। तो छोड़ो गाइस इस कार को तो कैंसिल करता है, ये वाली कार देखो ऑरेंज वाली, ये बढ़िया लग रही है। वाह भाई लुक तो एकदम स्पोर्टी लुक आ रहा है इसका, और ये तो बुगाटी है भाई, ये आई थिंक होगी कुछ 50-100 करोड़ की, ये तो गाइस अपने औकात से बाहर है। और ये ब्लू वाली तो भाई नॉर्मल ही है, और ये कौन सी भाई सस्ते सी बुगाटी? हाँ फ्रैंकलिन वो डुप्लीकेट बुगाटी है, अगर तुम्हें चाहे तो मैं 10 लाख रुपए में दे सकता हूँ। अबे नहीं भाई इतनी सस्ती कार नहीं चाहिए। तू मुझे एक बात बता भाई, ये ऑरेंज वाली कार की प्राइस क्या है? इसकी प्राइस है 10 करोड़। क्या कहा 10 करोड़, इतनी महंगी? बिल्कुल यार, क्यों क्या हो गया फ्रैंकलिन, तुम्हारी औकात से बाहर है क्या? अरे नहीं भाई औकात से क्यों बाहर होगी, मैं तो सोच रहा भाई इसी कार को खरीद लूँ। क्या सच बोल रहे हो? बिल्कुल भाई सच बोल रहा हूँ, तू मुझे तेरा बैंक आईडी बता, अभी 10 करोड़ ट्रांसफर करता हूँ। क्या सच कर रहे हो? बिल्कुल भाई तू बता तो सही। अच्छा ये लो 111 111 999 000। अच्छा रुक जा भाई अभी करता हूँ ट्रांसफर, ये हो गया भाई ट्रांसफर। अरे वाह फ्रैंकलिन पैसे आ गए, तुम ले जा सकते हो उस कार को। ठीक है भाई अभी ले जाता हूँ, बट यार भाई चल आजा भाई तू भी बैठ जा। पर यार मैं क्यों बैठू? अरे वो तो एक इम्पोर्टेंट काम है। पर यार कौन सा इम्पोर्टेंट काम है जरा बताओगे? अरे मैंने कहा था ना भाई सुबह अपने सिंचान का बर्थडे है, तो इसलिए भाई मैं तुझे लेने के लिए भी आया था। तो यार अभी क्या करना है जरा बताओगे? अभी कुछ नहीं करना भाई, पहले तो हमें जाना है लेस्टर के घर पे, और वहां से भाई लेस्टर को उठा रहा है, और लास्ट को लेकर हम लोग वापस से जाएंगे मेरे घर पे। बट यार उससे पहले हम लोग खरीदेंगे एकदम मस्त वाला केक, जिसको कट करके आज हम लोग सिंचान का मस्त वाला बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। बट यार उसके लिए हमें तुम्हारा घर भी सजाना पड़ेगा ना पार्टी करने के लिए। अरे भाई साइमन उसकी फिकर तू क्यों करता है, वो सब कुछ मैं मैनेज करके आया हूं। अरे वाह यार तुम तो बढ़िया इंसान निकले फ्रैंकलिन। अरे हाँ यार वो सब छोड़, अब तू मुझे एक बात बता भाई, हमें क्या क्या करना चाहिए सिंचान के लिए? चलो यार रास्ते में देखेंगे। अच्छा ठीक है भाई, बट यार उससे पहले लास्ट को लेंगे, और भाई यहाँ से लेफ्ट मार के हम लोग पहुंच जाएंगे लेस्टर के मोहल्ले के अंदर। ये देखो गाइस पहुंच चुके लेस्टर के घर के पास, ये जो रास्ता ना गाइस एकदम मस्त वाला शॉर्टकट है, यहाँ से सीधा हम लोग लेस्टर के घर के पास आ सकते हैं। और ये देखो भाई पहुंच भी गए लेस्टर के घर पे, और ये देखो गाइस हम लोग आ चुके हैं। एक सेकंड लेस्टर यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे हाँ लेस्टर तो घर के बाहर ही है, क्या फ्रैंकलिन तुमने इसको कॉल करके बुलाया था? अरे नहीं भाई मैं क्यों कॉल करके बुलाऊंगा इसको। अरे एक सेकंड फ्रैंकलिन साइमन तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे वो तो लेस्टर भाई हम लोग तुझसे मिलने के लिए आए थे। क्या मुझसे मिलने के लिए, पर क्यों? अरे वो तो आज अपने सिंचान का बर्थडे है, इसलिए भाई मैंने सोचा कि चलो यार तुझे और साइमन को ले चलता अपने घर पे, और घर पे जाकर एकदम मस्त तरीके से बर्थडे पार्टी करेंगे। क्या फ्रैंकलिन आज अपने सिंचान का
बर्थडे और तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं। अरे वही तो बताने के लिए आया हूँ। चल भाई अभी काम कर, फटाफट से बैठ जा मेरी कार के अंदर। पर यार मैं कैसे बैठूंगा, ये तो टू सीटर है। अरे ऊपर बैठ जाना छत के ऊपर। अरे यार क्या तुम भी, रुको बैठता हूँ। चलो फ्रैंकलिन बैठ गया मैं। अच्छा ठीक है भाई, तो चलो गाइस लेस्टर भी बैठ चुका है, सैमन भी बैठ चुका है और भाई मैं भी बैठ चुका हूँ। और अभी फटाफट से सुपर कार को ले चलते गाइस अपने घर पे और जाकर देखते हैं भाई चिंटू विंटू ने भाई कितनी तैयारी करके रखी है। और जाकर गाइस जब शिनचान घर पे आएगा वो तो पागल होने वाला है, सब कुछ सरप्राइज देकर भाई मजा तो आने वाला है आज तो। बट यार गाइस केक लेना भूल गया यार मैं तो। चलो गाइस कोई दिक्कत की बात नहीं, रास्ते में केक भी ले लूंगा और सीधा घर पे जाकर मिलूंगा मैं आप सभी से। और फिर देखते गाइस अगर शिनचान घर पे नहीं आया होगा तो यार उसको ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। बट यार पहले तो चलो भाई लेट्स गो घर की तरफ, लेट्स गो। इस दुनिया के अंदर इस छोटे से बच्चे का कोई भी नहीं है, इसलिए यार आज मैं जा रहा हूँ जान देने के लिए। लेट्स गो। ये देखो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ माउंट चिल्लाड के ऊपर, एकदम टॉप के ऊपर। अब यार गाइस तुम लोग देखो मैं क्या करता हूँ। बट यार एक काम करता हूँ, ये बाइक लेकर जाओ जान देने के लिए। नहीं नहीं यार बाइक नहीं लूंगा, सीधा यार कूद जाऊंगा ऊपर से और यार जान दे दूंगा अपनी। नहीं यार बट ऐसे कूदने से तो इतनी जोर से नहीं लगेगी, तो यार क्या करूँ कैसे जान दूं अपनी। एक काम करूँ यहाँ से अंदर से कूद जाऊँ। हाँ यार जगह तो बढ़िया लग रही है। चलो यार यहाँ से अगर मैं कूद जाता हूँ तो यार एक ही पटके में मेरी जान चली जाएगी और यार मुझे ज्यादा दर्द भी नहीं होगा। और यार एक सेकंड यार ऊपर से नीचे देखने में तो डर लग रहा है यार मुझे तो, यार कितनी खतरनाक जगह ये तो। बट यार कोई दिक्कत की बात नहीं, मुझे यार किसी भी हालत में यहाँ से कूदना ही होगा क्योंकि यार मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। यहाँ पर देखो गाइस मैं आ चुका हूँ टॉप के ऊपर और यार अभी लगाता हूँ गाइस यहाँ से जंप, लेट्स गो। और यार ये देखो गाइस मैं आ चुका हूँ नीचे की तरफ और यार मेरे पास पैराशूट था। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये काट दिया पैराशूट। और यार ये देखो गाइस इतने ऊपर से गिरने वाला हूँ। अगर गाइस आप लोग मुझसे प्यार करते तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। लग गई, ओ भाई साहब मेरे सर में लग गई यार। अरे यार एक सेकंड, यहाँ कहीं से कोई गिरने की आवाज आई थी क्या मुझे? हाँ यार आवाज तो आई थी, बट यार यहाँ पर मैं चल क्यों नहीं पा रहा हूँ, कितना छोटा सा पत्थर है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, जाकर देख लेता हूँ भाई साहब कौन गिरा है यहाँ से। अगर कोई इंसान होगा तो भाई साहब उसको पकड़ के फेंक दूंगा या फिर कुछ खाना वाना हुआ तो भाई साहब मजा ही आ जाएगा। बट यार इस बार थोड़ा आराम से उठूंगा। एक सेकंड, ये क्या यहाँ पर, ये कौन गिरा हुआ है भाई? ये कोई बच्चा है क्या? रुको भाई देखने दो यार। अरे हाँ यार ये तो कोई बच्चा है। एक बच्चा इतने ऊपर से कैसे गिर गया? अब यार ये तो बहुत ज्यादा कम उम्र में गिर गया यहाँ पर तो। अब यार ऐसा लगता है मुझे इसकी जान बचानी पड़ेगी, लगता है मुझे अभी अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं इसकी जान बचाऊंगा और इस बच्चे को जीवन दान दूंगा क्योंकि यार इतनी कम उम्र में ये ऊपर से गिर के इसकी जान गई है, तो यार मैं इसको मरने नहीं दे सकता। रुको अभी इसकी जान बचाता हूँ। ओम ब्रेम श्रेम, इस बच्चे की प्रॉब्लम सुझा आइसक्रीम। चलो यार अभी मेरी जो मैजिकल पावर से वो अपने काम करेगी और इस बच्चे की जान बचा लेगी। बट यार उससे पहले यार मुझे फटाफट से यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो उसको पता चल जाएगा कि भाई साहब मैंने उसकी जान बचाई है। चलो चलो निकलता है यहाँ से, लेट्स गो। अरे एक सेकंड, ये सब क्या हो रहा है? मुझे यार पता नहीं यार कहाँ से होश आ रहा है। मैं तो मर गया था ना, मैं तो हेवन में चला गया था। बट यार मैं ये कहाँ पर आ गया वापिस है? क्या मैं अपने बॉडी के अंदर वापिस आ गया हूँ? यार पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे अंदर सर चकराए जा रहा है। क्या करूँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे तो। कोई है यहाँ पे, मुझे बचा लो। हेलो कोई है? अरे एक सेकंड, ये सब क्या हो रहा है? मैं तो उठकर खड़ा हो गया, ये कैसे पॉसिबल है यार? बट यार एक सेकंड, मेरे अंदर से धुआं भी आ रहा है, ये सब कैसे पॉसिबल है यार? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और यार मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? अरे हाँ, मैंने तो माउंट चिल्लाड के ऊपर से जंप लगाई थी ना जान देने के लिए। बट यार मैं वापिस से जिंदा कैसे हो गया? क्या लगता है गॉड ने मुझे वापिस से बचा लिया? हाँ यार ऐसे भी हो सकता है। बट यार ये मैं कहाँ पर फंसा हुआ हूँ यार, मुझे प्लीज बचा लो। एक सेकंड, मैं वापिस से गिरना जाऊँ यार, थोड़ा आराम से यहाँ से निकलता हूँ यार, मैं वापिस से मरना नहीं चाहता। चलो 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 आराम से चलता हूँ नीचे की तरफ, लेट्स गो यार। ये तो मैं गिरते जा रहा हूँ, बट यार मुझे कुछ भी चोट नहीं लग रही यार, ये कैसे पॉसिबल है? बट यार अभी अगर मुझे यहाँ से निकलना होगा तो यार मेरे पास कोई ढंग की बाइक होनी चाहिए थी, तो यार मैं बाइक से यहाँ से चला जाता। चलो यार कोई दिक्कत की बात नहीं, एक सेकंड, मेरा धुआं चला गया और यार मेरे सामने बाइक कहाँ से आ गई? गाइस आपने देखा, मैंने कहा कि यार यहाँ पर बाइक आ जाए, यहाँ पर लिटरली एक बाइक आ गई। ये कैसे पॉसिबल है यार, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। चलो यार यहाँ पर बाइक आ गई है, तो यार बाइक को लेकर फटाफट से नीचे चलता हूँ और यार यहाँ से चलता हूँ अपने घर की तरफ और यार जाकर पेंगी ब्याह को बताता हूँ कि भाई साहब मैं मर गया था बट यार वापिस से जिंदा हो गया। यार मुझे लगता है मुझे गॉड ने बचा लिया, थैंक यू सो मच गॉड, आपने मेरी जान बचा ली। अब यार फटाफट से चलता हूँ यहाँ से नीचे की तरफ, लेट्स गो। थोड़ा आराम से चलूंगा, कहीं वापिस से गिर ना जाऊँ। आराम से ये देखो पहुंच गए नीचे की तरफ। अब यार यहाँ से फटाफट से चलो घर पे, चलो चलो और यार जाकर पेंगी ब्याह को सारा का सारा चमत्कार बताता हूँ, लेट्स गो।
हूँ। अरे फ्रैंकलिन कार थोड़ी आराम से चलाओ, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। अरे लैशा भाई तू फिकर मत कर, मैं नहीं गिराऊंगा तुझे। बट यार भाई मैं थोड़ा टेंशन में, मेरा दिमाग बहुत खराब कर। अरे क्या हो गया फ्रैंकलिन, किस बात का टेंशन? अरे वो तो यार सुबह सिंचन पता नहीं गुस्से से घर से चला गया। अब यार पता नहीं कि भाई सिंचन घर पे आया होगा या फिर नहीं। अरे फिकर मत करो, आ गया होगा वो। तुझे कैसे पता भाई आ गया होगा वो? अरे मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, वो तो यार अभी छोटा बच्चा है, वो यार थोड़ा बहुत तो गुस्सा करेगा और भाई गुस्सा शांत होने के बाद आ जाएगा। हाँ भाई लगता तो ऐसा ही है, बट यार छोड़ यार वो सारी बात है। यार एक सेकंड यार तुम लोग यहीं पर रुको, मैं अभी देखकर भाई सारा काम हुआ या फिर नहीं। अरे हाँ ठीक है ठीक है, ये देखो गाइस ये लोग तो अभी भी यहीं पर है। अरे वो भाई चिंटू बैंटन चिंकी, तुम लोगों ने अभी तक घर को डेकोरेट नहीं किया? अरे फ्रैंकलिन भैया वो तो हम लोग तोती ले, अभी हम लोग क्या क्या कले। अरे भाई थोड़ा जल्दी करो, मैं तो भाई केक भी लेकर आ गया और भाई उसका गिफ्ट भी लेकर आ गया। अरे दिखाओ तो सही क्या गिफ्ट है। अरे बाद में दिखाऊंगा भाई, तुम लोग थोड़ा सा डेकोरेट करो। आता ठीक है फ्रैंकलिन भैया। और यार ये लोग पता नहीं भाई क्या कर रहे हैं। भाई साइमन तू कहां पर गया? अरे वो तो यार मैं तुम्हारे पीछे ही आया था। अब भाई यार ये साइमन बिना ये देखो यहाँ पर है। और भाई लैशर तू उतरेगा अभी? अरे यार मैं तो ऐसे ही बैठूंगा जब तक अपना काम नहीं हो जाता। चलो 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 लेट्स गो, फटाफट से चलना होगा फ्रैंकलिन भैया को जाकर मुझे चमत्कार के बारे में बताना होगा जो कि आज मेरे साथ हुआ। एक सेकंड यार बाइक तो थोड़ी अच्छे से चला लूं। बट यार गाइस आपने देखा ये बाइक वहां पर अचानक से कहां से आ गई, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। और यार एक सेकंड ये क्या फ्रैंकलिन भैया क्या कर रही है यहां पे? अरे ओ फ्रैंकलिन भैया मेरी बात तो सुनो। एक सेकंड भाई मुझे सिंचन की आवाज कहां से आ रही है, मैंने तो अभी तक उसको कॉल भी नहीं लगाया। अरे यार मैं देखो मैं आपके सामने खड़ा हूं। क्या सामने खड़ा है? एक सेकंड सिंचन भाई तू आ गया? भाई मुझे एक सेकंड बता तो सही तू कहां पर गया था? अरे वो तो यार फ्रैंकलिन भैया मैं तो गया था अपनी जान देने के लिए। क्या कहा जान देने के लिए? वो कहां पर भाई? और यार भाई तूने ऐसे कैसे सोच लिया भाई तू जान देगा? वो तो यार मैंने सोचा कि यार किसी को भी मेरा बर्थडे याद नहीं है तो अभी जाकर अपनी जान देता हूँ। और यार जाकर मैं माउंट चिल्याड के ऊपर से कूद गया था। क्या कूद भी गया था? अबे भाई सिंचन तू तो अब मेरा पक्का मार खाने वाला है। अरे यार मेरी बात तो सुनो। हाँ बोल भाई आगे क्या हुआ? अगर आपको पता है मैं यार ऊपर से कूद गया और यार मेरी जान भी चली गई थी। और यार मैं सीधा चला गया था हेवन के अंदर। बट यार उसके बाद में आपको पता है थोड़ी देर बाद पता नहीं मेरी बॉडी के अंदर से सीधा पिंक कलर का धुआं आने लग गया और मैं वापस से जिंदा हो गया। अबे जा भाई पागल मत बना। मुझे लगता है भाई सिंचन तू हमें पागल बना रहा है। सुबह हम लोगों ने तुझे बर्थडे विश नहीं किया इसलिए। नहीं यार मैं क्यों पागल बनाऊंगा। उसके बाद में आपको पता है वहां पर मैंने सोचा कि यार एकदम मसली बाइक आ जाए, वहां पर बाइक आ गई। क्या जा भाई पागल मत बना। अब तो भाई मुझे सच्ची में लग रहा है तू फेंक रहा है। मैं क्यों फेंकूंगा, ये देखो ये रही वो बाइक। अरे ऐसी बाइक तो बहुत सारी है लॉस एंटर्स के अंदर। अच्छा ऐसी बात है तो रुको यार अभी और एक बार मांग के देखता हूँ, क्या पता यहाँ पर आ जाए। तो चलो भाई एक काम करो, यहाँ पर अभी फटाफट से एकदम महंगी महंगी बहुत सारी सुपर कार आ जाए। अरे धक तेरे की ये सब क्या देख रहा हूँ मैं। अबे यार गाइस तुम लोग देख रहे हो सिंचन ने कहा कि यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां आ जाए और लिटरली यहाँ पर तो कितनी सारी महंगी महंगी गाड़ी आ गई। कही भाई सिंचन ये नकली गाड़ियां तो नहीं? अरे यार नकली की होगी, एक बार चलाकर भी देख लो। अच्छा रुक जब अभी देखता हूँ ये रेड वाली मैकलर नहीं देखता हूँ गाइस यार ये चलती है या फिर नहीं। रुको यार मैं भी बैठूंगा, ये देखो चल रही है ना। हाँ गाइस ये तो चल रही है यार लिटरली। गाइस आप लोग देख रहे हो सिंचन जो भी मांग रहा है वो सब कुछ आ रहा है। मतलब यार गाइस सिंचन जो कुछ भी बोल रहा है सच बोल रहा है। हाँ मैंने कहा था ना मैं सच बोल रहा हूँ। और बताओ आपको क्या क्या चाहिए? मुझे तो भाई सिंचन एक काम कर दे, यहाँ पर बहुत सारा गोल्ड डायमंड और पैसे मंगवा दे। अच्छा ठीक है अभी मंगवाता हूँ। तो चलो यार अभी काम करो, यहाँ पर अभी फटाफट से बहुत सारा गोल्ड डायमंड और पैसे आ जाए। और ये लो फ्रैंकलिन भाई यहाँ पर आ गया बहुत सारा गोल्ड डायमंड और पैसे। हाँ गाइस आप लोग देख रहे हो लिटरली यहाँ पर भाई कितना सारा गोल्ड है डायमंड पैसे है। अरे वाह भाई मजा आ गया। ऐसे तो भाई सिंचन हम लोग अभी पूरे लॉस सेंटर्स को खरीद सकते हैं। हाँ लॉस सेंटर्स का पूरी दुनिया को खरीद सकते हैं। हाँ तो चल भाई चलते खरीदने के लिए। बट यार आप तो भूल गए ना आज मेरा बर्थडे था। अबे पागल है क्या भाई तू? मैं कैसे भूलूंगा भाई आज तेरा बर्थडे था। मैं तो भाई तुझे बर्थडे सरप्राइज देने वाला था। और वो देख भाई सिंचन साइमन के शोरूम से मैंने पूरी 10 करोड़ की कार खरीदी थी तेरे लिए, वो भी तुझे गिफ्ट में देने के लिए। क्या सच बोल रहे हो? बिल्कुल भाई तेरे लिए तो कर रहा था मैं। और घर पे जाकर देख ले भाई साहब चिंटू बैंटन चिंकी तेरे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भाई वहां पर डेकोरेशन कर रहे हैं। क्या सच बोल रहे हो? बिल्कुल भाई सच्ची तो बोल रहा हूं मैं। बट यार भाई सिंचन आज जो तेरे पास पावर्स है इसका इस्तेमाल कर लेते, आ जा भाई फटाफट से और जाकर एकदम मस्त वाला मेंशन खरीद लेते हमारे लिए। हाँ तो चलो यार चलते। हाँ भाई बिल्कुल यार, बट फटाफट से बैठ जा तू। हाँ रुको अभी बैठता हूँ। तो गाइस यार आपने देखा यार सिंचन के पास क्या मस्त वाली पावर्स आ चुके हैं। और यार अभी तो हम मेरे पास देख रहे हो यार क्या बढ़िया वाली बुगाटी है भाई पूरी 50 करोड़ की, जो कि भाई साइमन के शोरूम के ऊपर भी थी। बट यार वो सब छोड़ो गाइस, फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट है एक बड़ा सा मेंशन खरीदना, क्योंकि गाइस यार हमारे पास अगर बड़ा सा मेंशन होगा तो वहां पर हम लोग बहुत सारा गोल्ड डायमंड महंगी महंगी गाड़ियां जो चाहे ला कर रख सकते हैं। अगर गाइस आपको देखना है कि भाई साहब हम लोग कौन सा मेंशन खरीदते हैं तो गाइस यार आपको देखनी पड़ेगी हमारी अगली वीडियो। तो चलो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर आज की वीडियो पसंद आए तो गाइस यार काम कर देना फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।